मुंबई में आफत बनकर बरसी बारिश, सड़कों पर सैलाब। मुंबई के बिकरौली में स्लैब गिरने से बाप बेटे की हुई मौत। वहीं आप सभी को बता दें, मुंबई कोस्टल रोड का दूसरा चरण 10 जून यानी कि आज से जनता के लिए खुल गया है। मुंबई के कई हिस्सों में जैसे कि भाईखला, दादर में बारिश के कारण हुआ जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पीयूष गोयल पहली बार चुनाव लड़कर दर्ज की महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जीत, मोदी सरकार में फिर बने कैबिनेट मंत्री। वहीं मुंबई सहित थाने पालघर में भी भारी बारिश के कारण इलाकों में जलभराव, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। नई सरकार अविश्वास के आधार पर बन रही है, मोदी ने हारे हुए मन से शपथ ली, बोले उद्धव ठाकरे। मोदी की तीसरी कसम के बाद फिर झूम उठा शेयर बाजार, निवेशकों ने जमकर लगाया पैसा, सेंसेक्स ने तोड़ा रिकॉर्ड। वहीं आप सभी को बता दें, एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ, शरद पवार दे सकते हैं देशवासियों को सरप्राइज। वहीं एक अच्छी खबर, मुंबई में झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले अब अपने मोबाइल फोन पर जान सकेंगे किराए का हाल। मुंबई नगर निगम द्वारा थाने में पानी की आपूर्ति में 10% की कटौती, थाने के कुछ हिस्सों में पानी की कमी का संकट। वहीं बॉलीवुड से एक बुरी खबर, काजोल की को स्टार एक्ट्रेस नूर मालविका दास की मौत हो गई, कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। 6 जून को उनके मुंबई लोखंडवाला फ्लैट से पुलिस ने शव बरामद किया। कोस्टल रोड के फेज 2 का उद्घाटन, मरीन ड्राइव से हाजी अली का सफर अब मिनटों में होगा पूरा। आप सभी को बता दें, दादर में लगातार रात में पानी बरसने की वजह से वहां पर लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है, सड़कों पर जलजमाव हो गया है। फिलहाल वहीं लोकल ट्रेन और मुंबई की बस की बात करें तो सारी चीज़ें समान तरीके से चल रही हैं, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। मुंबई मास्क सभी ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहिए एसपी अपडेट। थैंक यू।